Now we are going to see becoming informed users of assessment techniques and information. How can we become informed users of assessment? So, first of all, we have to select only tests that have demonstrated validity. Um, it is important to determine that test measures what it purports to measure. validity ka ye hai ke jis ke liye test. वो उसी को मैयर करे किसी और चीज़ को मैयर नहीं करें मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चे की इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहते हैं और आपने वकीबलरी मुश्किल डाल दी है तो अब आपका टेस्ट खराब हो गया उसकी वैलिडिटी नहीं है क्योंकि आप तो उनकी इंटेलिजेंस देखने जा रहे थे जो कि ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग से देखी जाती है आप उसको ऐसी वकीबलरी दे रहे हैं जिसको वो समझ ही पा नहीं पा रहा या उसका सारा फोकस वकीबलरी के ऊपर है और वो अल्फ़ाज को समझने की कोशिश कर रहा है तो इसीलिए बहुत से ऐसे टेस्ट बनाए गए जिन जो लैंग्वेज बैरियर से हटके थे यानी उनको हम कहते हैं कि जी वो फ्री टेस्ट है फ्री लैंग्वेज टेस्ट है जिनमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं है सिर्फ शक्लों की मदद से चीज़ें देखी जा सकती हैं इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चे कंप्रिहेंशन किस तरह से करते हैं समझते कैसे हैं चीज़ों को तो वहाँ भी अगर आप टफ विकैबलरी दे रहे होंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे मतलब ये है कि जो टेस्ट जिस चीज को मैयर करने के लिए बनाया गया है उसी को फोकस किया जाना चाहिए तब हमारा टेस्ट वैलिड होगा और हमें वैलिड टेस्ट ही यूज करने हैं। वैलिडिटी uh, की तरह ही हमारा एक अगला प्रोटोकॉल है दैट इज़ रिलायबिलिटी यानी हमारे टेस्ट के जो स्कोर हैं वो लगभग एक ही जैसे आए बार बार जैसे ही हम क्लाइंट टील पे उसको एडमिनिस्टर करें हमारे रिजल्ट एक जैसे ही आने चाहिए ऐसा नहीं है कि आज जो बच्चा उसी टेस्ट पे सेवेंटी फाइव मार्क्स ले रहा है कल को वो थर्टी फाइव ले और कल को वो नाइन्टी फाइव ले ऐसा नहीं होता मतलब अगर एक बच्चा अबव एवरेज जज हुआ है तो उस टेस्ट पे कंसिस्टेंटली उसको अबव एवरेज ही आना चाहिए सो इट इन्श्योर्स डेट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द असेसमेंट रिजल्ट आर नॉट स्पीरियस यानी उसमें शकूक शकूको शुभात ना हो फ़ेक ना हो जो रिज़ल्ट हमारे पास आया ये पता चल जाए कि जिस तरह के बच्चे नंबर ले रहे हैं या जिन चीज़ों पर उनको कमांड है मास्टरी है जो उनको पता है वो उस टेस्ट में उनको वाकई उसी तरह से परफॉर्म कर सकें ऐसे टेस्ट भी रिलायबल नहीं होते कि जो बच्चों के जो लेटेंट ट्रेड्स हैं यानी जो उनके अंदर सलाहियत है या पोटेंशियल्स है उनको सामने ना ला सकें तो उनको सामने लाना चाहिए कई दफ़ा टेस्ट ऐसे होते हैं कि फ़र्ज करें हम किसी एक सब्जेक्ट को मैयर कर रहे हैं लेकिन हमने टेस्ट इस तरह से दे दिया है कि बच्चे किसी और ट्रेड को वहाँ पे जाहिर कर रहे हैं तो जो असल ट्रेड हमने मैयर करना था हमने उसको फोकस नहीं किया तो जो बच्चे के अंदर सलाहियत है उसको बाहर आना चाहिए अगर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चों को टेस्ट दिया है और मेरी ज़बान मुश्किल है या मेरी जो इंस्ट्रक्शन हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं है और बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए और मैं ये मतलब लूँ कि उनको आता ही नहीं तो ये हमारी गलती हो सकती है सो बी श्योर फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट तो जब हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि हमारी फाइंडिंग्स को कंसिस्टेंट होना चाहिए यानी हर दफा एक ही जैसी हो कंसिडर रेडीनेस टेस्ट रिजल्ट विद अप्रोप्रिएट प्लानिंग देखिए ये भी आप यूं समझें कि जो आपका प्लेसमेंट टेस्ट है या रेडीनेस टेस्ट है जैसे बच्चा स्कूल की तरफ आया और आपने उसका टेस्ट लिया कि भाई इसको दाखिल करना है या नहीं करना या इसको कौन से ग्रेड में रखना है या नहीं रखना तो वो अकेला टेस्ट काफ़ी नहीं होगा एक दफ़ा आपने उनकी असेसमेंट की बच्चा घर में छः महीने से साल से तैयारी कर रहा होगा शायद बचपन से ही सीख रहा हो और आप दस मिनट में या बारह मिनट में ये फैसला कर लें कि इस बच्चे को यहाँ पे प्लेस नहीं करना या इसको अभी एडमिशन नहीं देना ये तो रेडी ही नहीं है या आपने कोई बड़ा रेडीनेस टेस्ट उठाया है कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई स्टैंडर्डाइज और वो आपने बच्चे को दे दिया है और ये परवाह नहीं की कि उसका कॉन्टेक्स या उसका कल्चर उसके साथ मैच नहीं करता तो ये बहुत बड़ी गलती होगी इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो टेस्ट हम बच्चे का रेडीनेस टेस्ट लें उसको प्लेस करें तो हम कई तरीकों से उसको असेस करें और कई बार करें ये देखने के लिए कि अगर एक दफ़ा वो परफॉर्म नहीं कर सका नेक्स्ट टाइम कर ले किसी एक एक सब्जेक्ट में नहीं कर सका दूसरे सब्जेक्ट में करे थोड़ा सा उसको हम कॉन्टेक्स्ट के साथ फेमिलियर हो लेने दें थोड़ा उसको सपोर्ट दें अपने साथ फेमिलियर हो लेने दें आपको पता है छोटे बच्चे अजनबियों के साथ बिल्कुल बिहेव करने से कतराते हैं वो तो वहाँ पे बात भी नहीं कर सकते कहाँ वो पूरा टेस्ट दें और अच्छे से पूरा फुल परफॉर्म करें सो हमारा जो रेडीनेस टेस्ट है वो एक ही मैार नहीं होना चाहिए बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों को हमें शामिल करना है वो आगे चल के हम बताएंगे कि हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं नेवर यूज टेस्ट कोर्स एज द सोल बेसिस टू डिटर्मेंट प्लेसमेंट तो यही हम अर्ज कर रहे हैं कि जो प्लेसमेंट है बच्चे को रखना है या नहीं रखना या कौन से ग्रेड में रखना है तो उसको वक्त दें कोशिश करें कि वो अच्छा परफॉर्म कर ले जो कुछ उसके अंदर टैलेंट है जो पोटेंशियल है उनको बाहर लेके आए हो सकता है जिस वक्त हम पहली दफ़ा एक सेटअप बना के बैठे होते मुझे अक्सर तजुर्बा होता है कि नर्सरी का भी बच्चा जब टेस्ट के लिए जाता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसे रखी टेलीफोन रखा है फलां चीज रखी है अब बच्चे को एक अजनबी सा एक पैनल बैठा हुआ है पूरा जैसे इंटरव्यू वालों का पैनल बैठा होता और है और पूछते हैं कि ये बताइए कि ये क्या है बेटा ये बताइए कि ये क्या है बच्चे ने वो चीज़ देख भी रखी हो लेकिन इस वक्त उसकी तवज्जो चीज़ पर नहीं है वो देख रहा है ये कौन नई नई शक्लों वाले लोग इर्द गिर्द बैठे हैं मेरे साथ किस तरह का रवैया कर रहे हैं मुझे यहाँ बात भी करनी है या नहीं करनी मेरी कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? मेरी माँ कहाँ है मेरा बाप कहाँ है तो वो एक बड़ी अजीब सी एम्बेरसिंग सिचुएशन में होता है एक टिमिडनेस की सिचुएशन में होता है वो नहीं बता सकता उन चीज़ों के नाम आप समझते हैं उसने कभी सीखा ही नहीं होगा और आप कहते हैं कि जी उसका जो एडमिशन है उसको डिनई कर दिया या उसकी प्लेसमेंट को डिनई कर दिया तो ये एक बड़ा गलत तरीका है छोटे बच्चों को बचपन में ही आप कर्ब कर रहे हैं उनकी सलाहियतों का इनकार कर रहे हैं सो गैदमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ रेगुलर बेसिस हम ये चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे बच्चों से डेटा इकट्ठा किया जाए अगर वो एक जगह परफॉर्म नहीं कर सके उनको बार बार मौका दिया जाए बल्कि उसमें सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन इस्तेमाल हो सकते हैं जो पेरेंट्स की तरफ से हों कि आपका बच्चा कब और किस जगह किस तरह से बिहेव करता है उन उनप बिलीव किया जा सकता है पेरेंट्स पे कि अगर वो बताएं कि जी ये फ्लाफना एक्टिविटीज घर में अच्छे से कर लेता है तो आपको उन उनपे बिलीव करना चाहिए दूसरा ये कि आपको खुद मुख्तलिफ जगहों पर अभी आप मौका दें ना बच्चों को जैसे मैं ये समझती हूँ कि आप उनको जो फ़ौर हम रेडीनेस टेस्ट देते हैं उसकी बजाय कुछ अच्छा मॉक प्रेजेंस बच्चे की होनी चाहिए वो स्कूल में रोज आए बच्चों के साथ फेमिलियर हो आप उसकी परफॉर्मेंस को देखें आप उसकी रेडीनेस को वहाँ देख सकते हैं इसी तरह प्लेसमेंट में भी आजमाइशी तौर पर बच्चों को रखा जा सकता है ताकि आप उनके बिहेवियर को बेहतर तौर पर अच्छी तरह से जज कर लें असेस कर लें कि बच्चा इस लेवल के काबिल है इससे आगे जा रहा है या अभी इस काबिल नहीं हुआ